गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, यूनिट टू, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। होपफुली यू हैव कंप्लीटेड योर प्रीवियस वर्क। टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट थ्री फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज शो दैट -4/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस -7/10 इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई 2/5 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस -4/3 मल्टीप्लाई -7/10। शो दैट का मतलब है कि इक्वल से पहले जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करो और इक्वल के बाद जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, तो होता है शो दैट। तो इसमें हम क्या करेंगे, -4/3 एज इट इज़ लिखा रहेगा, जो ये ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये आपने पिछली एक्सरसाइजेज में भी सीख लिया है। तो जैसे 2 और 5 और 10 है, इसका एलसीएम ले लो, 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, और 10 को 10 से तो -7। पहले हम इसी चीज़ को करते हैं, -4/3 एज इट इज़। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको इंटीजर्स बड़े अच्छे से आते हैं, 7 जो है वो माइनस का है और 4 जो है वो 3 का है, तो इन दोनों का जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी -3/10। तो अब हम यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ये 4 है ये 10 है, 2 की टेबल पर कट रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। ये आपने 6th क्लास में भी सीख लिया था कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो ये 2/5 आ गया। अब हम आते हैं राइट साइड पर, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है। पिछली ब्रैकेट में यहाँ प्लस था बीच में, तो आपको एलसीएम लेना पड़ा। अब क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो काट दो, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर है 4, यहाँ पर 5 नहीं कटता, यहाँ 2 है, यहाँ 3 नहीं कटता, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। दोनों में मल्टीप्लाई करते हुए अगर एक नेगेटिव आए तो 4 2 ज़ा 8 माइनस का आएगा, अपॉन 3 5 ज़ा 15। अब इसको मैंने दोबारा लिख लिया क्योंकि ये तो स्टेटमेंट थी। जब इसको मैंने दोबारा लिखा तो ये 4 और ये 10 कटता था 2 की टेबल पर, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 7 ज़ा 14 और 3 5 ज़ा 15। 15 एंड 15 बोथ आर सेम, सो एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 को 15 से किया 1, 1 को माइनस 8 से करेंगे एज इट इज़, 15 को 15 से करेंगे 1, 14 को 1 से करेंगे एज इट इज़। इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा 6 प्लस का। आपको पता है एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होता है, तो मन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ भी किया कि 7 में से 4 मैंने माइनस कर दिया, 3 आया मन में और माइनस लगा दिया क्योंकि बड़ा जो 7 के साथ था वो माइनस था। इसी तरह यहाँ पर 14 में से 8 या 6, और क्योंकि 14 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर प्लस नहीं भी लगा हुआ तो अंडरस्टूड होता है प्लस, तो 6/12 आ गया। 3 की टेबल पर काट दो तो 3 2 ज़ार और 3 5 ज़ार, तो 2/5। देखो यहाँ पे भी 2/5 आया और यहाँ पर भी 2/5 आया, दोनों आंसर सेम आने चाहिए थे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज़ द प्रूफ। यही हमने शो करना था, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर प्लस था बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस था, इसमें यहाँ पर बीच में ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ये भी ब्रैकेट के अंदर माइनस है। और एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये -4/3 यही वाला लिखा हुआ है, ये 2/5 ये लिखा हुआ है पहला, फिर ये वाला प्लस यहाँ लगा हुआ है, फिर -4/3 से यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, और ये -7/10 है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है ये कि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म एक बार पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी अंदर, और फिर जो साइन यहाँ होगा वो लग के फिर यही वाली टर्म इस सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही है, देखो ये है 3/5 मल्टीप्लाई -1/7 -5/7। अब राइट साइड पे अगर हम ध्यान दें तो यही 3/5 इधर भी है, इसकी पहली टर्म थी -1/7 एज इट इज़ है, अब जो ये वाला माइनस था वही यहाँ लग गया, तो 3/5 वही है और दूसरा 5/14 वही है, क्योंकि ये माइनस तो यहाँ लग गया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे हमने पिछला किया वैसे ही करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, एलसीएम लेंगे 7 और 14 का एलसीएम, 14 को 7 से किया, 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 14 को 14 से 1 1 5 ज़ार 5, ये 2 और ये 5 दोनों नेगेटिव हैं,
तो ये फिर सिक्स्थ क्लास का कंसेप्ट है इंटीजर्स का, दोनों अगर सेम साइन के हैं तो नंबर्स विल बी एडिड, टू और फाइव दोनों जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का ही रहेगा। टू भी माइनस का है, फाइव भी माइनस का, तो ये माइनस का सेवन बन गया। अपॉन फोर्टीन, दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, सेवन सेवन वन ज़र सेवन, सेवन टू ज़र फोर्टीन, तो ये मैं नेगेटिव है, बीच में मल्टीप्लाई करते हुए एक नेगेटिव है तो माइनस लगेगा, थ्री वन ज़र थ्री, फाइव टू ज़र टेन। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो कर दो मल्टीप्लाई, थ्री वन ज़र थ्री माइनस का रहेगा, फाइव सेवन ज़र थर्टी फाइव, ये माइनस एज इट इज़ फाइव से फाइव कट गया, थ्री अपॉन फोर्टीन। अब 35 और 14 दोनों का एलसीएम निकाल दो, सिक्स्थ क्लास से पढ़ के आए हैं, फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा था, तो दोनों का एलसीएम 70 आ गया। अपने आप निकालना है एलसीएम, 70 को 35 से किया 2, 2 थ्री ज़ार सिक्स, फिर 70 को 14 से डिवाइड किया 5, 5 को ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों नेगेटिव हैं, नंबर्स विल बी एडिड, माइनस 21 अपॉन 70, 7 की टेबल पर काट दो, यहाँ पर भी माइनस थ्री अपॉन टेन आया और यहाँ पर भी माइनस थ्री अपॉन टेन आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज़ द प्रूफ, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाई करना है। माइनस फोर मल्टीप्लाई सेवन अपॉन थ्री माइनस नाइन अपॉन टेन, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक नंबर बनाते हैं, माइनस फोर एज इट इज़ रहेगा, थ्री और टेन का एलसीएम 30, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 10 को ऊपर वाले 7 से 70 आ गया, 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 नाइन ज़ार 27, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सॉल्व करेंगे तो 43 आ जाएगा, तो माइनस फोर अपॉन वन लगा लो, इधर 43 अपॉन 30 लगा लो, तो ये दोनों 2 की टेबल पर कटते हैं, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 86 अपॉन 15 ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर है सेकेंड पार्ट, 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8 प्लस 3, 3 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, 3 वन ज़ार 3, सॉरी अपॉन में 1 लगा दो। तो अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 8 एलसीएम, 8 को 8 से 1, 1 9 ज़ार 9, 8 को 1 से 8, 8 3 ज़ार 24, तो दोनों को ऐड करो, 33 अपॉन 8, और इधर 7 अपॉन 3 था, 3 और 33 आपस में कटते हैं, काट दो तो 77, बाद में मल्टीप्लाई करके 77 अपॉन 8। सेम थर्ड पार्ट, बीच में ब्रैकेट में प्लस है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एक नंबर बनाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया, 4 और 20 बड़ा नंबर 20 है, सेम 4 की टेबल पे भी आता है, तो ये 20 एलसीएम, 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 ज़ार 25, 20 से किया, तो ये इस तरीके से। जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही आपका एलसीएम होता है, ये आपको फिफ्थ में भी सिखाया गया और सिक्स्थ में भी सिखाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। माइनस फोर अपॉन सेवन मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन सेवन, फोर माइनस फोर अपॉन सेवन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर भी वही आए, ऐसा होता है वन से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है। यहाँ पर है थ्री अपॉन एट और आंसर आ रहा है माइनस थ्री अपॉन एट, माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस थ्री अपॉन एट आ जाएगा। इधर है माइनस वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन, तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तीनों मल्टीप्लाई में है। उसके बाद क्या किया, इसमें पहले दो के बीच ब्रैकेट थी, अब लास्ट वाले दो में ब्रैकेट लगा दी, फोर अपॉन फाइव और सिक्स अपॉन सेवन को अंदर रख दिया, एक टर्म को वो कहते हैं कौन सी छोड़ी है वो यहाँ लिख दो, जो हमारी छूट गई थी वो है हमारी माइनस वन अपॉन थ्री। तो प्यारे बच्चों ये होता है एसोशिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोशिएटिव लॉ, जब इधर से एक ग्रुप को हटा के हम इधर वाला ग्रुप चेंज कर देते हैं, पहले ये दो थी अब ये दो, दिस इज़ एसोशिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद है इसी तरह इसमें भी एसोशिएटिव लॉ लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का, फाइव अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फिर डैश छोड़ दिया फिर इलेवन अपॉन थ्री, ये तीन टर्म्स थी, फाइव अपॉन थ्री भी उसने लिख ली, इलेवन अपॉन थ्री भी लिख दी, तो छुटकी कौन सी, माइनस सेवन अपॉन एट ये लिख दी। फिफ्थ पार्ट, थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन माइनस सिक्स अपॉन इलेवन, इधर उन्होंने माइनस सिक्स अपॉन इलेवन लिख दिया, जो छोड़ दी इधर वो इधर लिख दो, दिस इज़ आल्सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर अपॉन थ्री को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ज़ीरो आए, बच्चों मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोई भी नंबर जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तभी वो आंसर को ज़ीरो बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ज़ीरो। फॉर एनी रैशनल नंबर एक्स
एक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, एक्स मल्टीप्लाई फाइव का मतलब है एक्स पांच बार आएगा यहाँ पर, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार, फाइव टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है तो यहाँ पर फाइव टाइम्स आएगा। उसके बाद टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई सेवन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन नाइन, जो क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स हमने शो दैट वाले करे थे वही डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर खुला हुआ है। देखो ये है टू अपॉन थ्री, ये भी है टू अपॉन थ्री, इसका पहला है सेवन अपॉन फाइव वो उसने लिख दिया, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर फिर टू अपॉन थ्री को मल्टीप्लाई होना चाहिए टू अपॉन नाइन से, यही होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको इसके साथ भी करना है इसको इसके साथ भी करना है, तो वही हमने यहाँ लिखना था। इसमें उल्टा है, खुला पड़ा है, हमने इसको बंद करना है, माइनस फाइव अपॉन सेवन मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री प्लस फिर माइनस सेवन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉन सिक्स। इसमें अगर हम ये देखें माइनस फाइव अपॉन सेवन माइनस फाइव अपॉन सेवन दोनों में है, ये दो ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है एक ये, जो प्लस वाला साइन है इनको अलग अलग कर रहा है, दो ग्रुप बना रहा है, तो पहले ग्रुप में से माइनस फाइव अपॉन सेवन है, दूसरे में भी है, तो वो हमने निकाल दिया बाहर, फिर लगा दो मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पहले में से बच गया वन अपॉन थ्री लिख दिया उसने, दूसरे में से क्या बचा, क्या उसने नहीं लिखा, वन अपॉन सिक्स, वो आप ब्लैंक में भर दो। इसी तरह ये पर है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टेन भी, फोर अपॉन सेवन मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री माइनस फोर अपॉन सेवन मल्टीप्लाई फाइव अपॉन सिक्स, तो फोर अपॉन सेवन दोनों में है, वो उसने बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट में क्या क्या रहेगा, पहली बारी में क्या छूट गया टू अपॉन थ्री वो लिख दो, माइनस लगा दिया उसने खुद, दूसरी बारी में क्या छूटा पड़ा फाइव अपॉन सिक्स। तो ये थे, इतना आसान काम, बहुत आसान काम है प्यारे बच्चों, तो आपने इसको समझना है और अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।